आधार कार्ड के लीक डाटा को लेकर चल रहे विवाद के बीच UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने अपना पक्ष रखा। नीलेकणी ने कहा कि उनको लगता है कि आधार कार्ड की छवि खराब करने के लिए ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। नीलेकणी ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस महीने आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है। इसको देखते हुए ही आधार की छवि खराब करने का काम हो रहा है। नीलेकणी ने ये भी भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड के हक में फैसला सुनाएगी, यानी कि उसे मान्यता दे दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने टू लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को भी अच्छा कदम बताते हुए कहा, अब कुछ नए फीचर आ गए हैं। अब कोई भी अपनी वर्चुअल आईडी बना सकता है। अब हर जगह अपना आधार नंबर देने की जरूरत खत्म हो गई है। वर्चुअल नंबर को अपने मुताबिक कभी भी बदला जा सकेगा, यानी अब वह पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा जिससे आपको हर जगह अपना आधार नंबर देना पड़ता है। नीलेकणी ने लिमिटेड KYC को भी एक अच्छा कदम बताया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।